वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी कज़न से मिलने, और आज मैं सोचा कुछ नया भी करते हैं, और मैं वहीं पे ना रील्स बनाने वाली हूँ उनकी हेल्प लेके। वो हमारे बुलंदशहर सिटी में ही रहती हैं। वैसे ना अगर हमारे भाई बहन पास में ही रहते हो ना तो फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं, ये बात तो है। अगर हमारे उनसे लड़ाई ना होती हो ना तब है बस फ़ायदा। तो मम्मी पता नहीं किससे बात कर रही थी ज़ोर ज़ोर से, और मुझे ब्लॉग बनाने में भी डिस्टर्ब कर दिया। अब चलो मैं बस जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर वहाँ पर जाती हूँ और अपनी बहुत प्यारी प्यारी सी रील्स बनाती हूँ उनकी हेल्प लेके। तो मिलते हैं भाई पे, बाय बाय। मैं तो रेडी हो गई और मम्मा कर रही हैं मुझे लेट, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा लेट कर रही हैं ये। मम्मा प्लीज़ आप जल्दी कर लो ना। ये रही मम्मा, देख गई आपको मम्मा। One hour later, 2 hours later। तो गाइस अब हम आ गए अपने मौसी के घर, और ये हमारी दीदी। ओहो ओहो, ये तैयार हो के आई है बोल रही थी, मैं थोड़ी साफ किया, मैं अभी तैयार होके आई है। और ये हमारी भाभी हैं। अब हम जा रहे हैं रील्स बनाने। मौसम ना इतना इतना ज्यादा अच्छा हो रहा है ना, मतलब सोने पर सुहागा हो रहा है मौसम। और ये हमारी बड़ी ब्लॉग है मम्मी। अब आप यहीं रहना ठीक है, हम आपको आंटी के घर छोड़ के जा रहे हैं। बाय बाय बाय। आज हमें माधुरी दीदी दिखाएंगी फर्स्ट ड्राइव। हैं दीदी आप दिखाओगी, कर दोगी? हाँ कर दोगी, चला लोगी? कैसे चलाऊं कैसे चलाऊं, जैसे कार चलाते हैं वैसे, सेम टू सेम वैसे। आज पूर्वी और ईशा नहीं है, तो आज हमारे दूसरे भाई हमको फर्स्ट ड्राइव कराएंगे। मतलब फर्स्ट ड्राइव किया, मैंने अभी तक थर्ड चलाई नहीं है, और मेरे को काफी लोगों ने कमेंट में भी बोला है। तो आज मैं अपनी फर्स्ट रील बनाऊंगी, और उस पर आप लोगों को बहुत सारे लाइक करने होंगे, कमेंट करने होंगे, शेयर भी करनी होगी। तो गाइस आज मेरी फर्स्ट ड्राइव है, और डायरेक्ट 5 जनों को बैठा कर तब कर रही हूँ मैं। ये तन्नू यहाँ पे थार चलाते हुए। यस, और थार चलाने के भाई बस अभी 10 कदम आई हूँ, और कुछ इसकी तो अलग ही फीलिंग आ रही है मुझे। अब स्विफ्ट तो बेकार सी लगेगी, अगर मैं स्विफ्ट चलाऊंगी ना उसमें मजा नहीं आएगा। और यहाँ का ना व्यू, मतलब जितने भी हमारे रील्स मेकर हैं ब्लॉगर बुलंदशहर के, मोस्टली उनकी वीडियो यहीं की मिलेंगी। जिसकी भी ऐसी वीडियोस हो ना, सपोज कर लो कि वो बुलंदशहर से बिलोंग करता है। अच्छी अच्छी से, भाभी को लग रहा था थोड़ा सा डर डर तो सबको है,
एक हाथ हैंड ब्रेक पे डर तो सबको है। रील्स देखने के लिए तनु के चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे जाके चेक करना सब मेरी रील्स को। यस स्टार्ट गाइस, अभी जहाँ से हम निकलेंगे ना ये हमारे बुलंदशहर का सबसे मेन लोकेशन है। मतलब अगर बुलंदशहर में एंटर होते हैं ना तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ता है। ये भूड़ चौड़ा है, पता नहीं आप बोल भी नहीं पा रही भूड़ चौड़ा अगर हम लोग बुलंदशहर में एंटर होते हैं ना तो सबसे पहले हमको यहीं पे अंकल हमने माधुरी दीदी को यहीं से उठाया था जी। अंकल यहाँ पे हो गया, हाँ हो गया, उड़ा दो ऐसा मत क्यों यार बिना बात की मैं कार चला रही तो दोनों की दोनों डर रही सारे ही डर रहे भाई बहुत गलत बात है। लेकिन इतना बुरा है, धीरे चलाती हूँ मैं कार। गए हम अपनी KTM पे रील बना के बताता हूँ उनसे पूछते हैं भाभी आप चलोगे मेरे साथ KTM पे और भाभी ने तो साफ मना कर दिया मम्मी आप चलोगे मेरे साथ KTM पे चलोगे बैठ के KTM पे बताऊ मैं आंटी आप चलोगे बिल्कुल बुलंदशहर की सैर करके। छोटा सा प्यारा सा बेबी रहता हमारे मौसी के घर के बराबर में। ओए इसका निप्पल निकालना दीदी देखना रोएगा नहीं रोएगा देगा नहीं ओ ओ ठोक दो भाई हमें ये बच्चा हमें ठोक के जा रहा है। अब हम जा रहे हैं अपने घर और जाने का मन नहीं कर रहा थोड़ी बस इम्पोर्टेंट काम है मजबूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है। भाभी बाय। देखो आप हमारे घर इतनी देर एक घंटे में कहने लगे मुझे मम्मी की याद आ रही है आंटी जब आप नहीं थे मुंह लटका लिया इन्होंने। One hour later, two hours later, three hours later. ओ मम्मा अकेले अकेले दूध नहीं पीते हैं बच्चों को भी पूछते हैं मम्मा शुगर हो गई आपको तो इसलिए नहीं डालती तेज। अच्छा अच्छा फिर लोग कहेंगे आई लव दिस वर्ड अच्छा। मम्मा मैं ये कह रही थी अब हम मौसी के यहाँ से आ गए आपको वहाँ जाके कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं तो मनी नहीं कर रहा था आने का बट आना पड़ा कल एकादशी का व्रत है और मॉर्निंग में जल्दी उठना है इसलिए। ओके डन। अब चलो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सबसे जरूरी बात तो मैं बतानी आपको भूल ही गई यार आज मैंने थार चलाई थी सीरियसली इतना ज्यादा अच्छा लगा मतलब मैंने अभी तक उसमें बैठ चुकी थी घूम के आ गई थी बहुत जगह बट खुद से ड्राइव नहीं करी थी सीरियसली इतनी अमेजिंग फीलिंग थी ना बहुत बहुत ज़्यादा। पहले मैं सोच रही थी बहुत टिपिकल होगी चलानी मेरे लिए बट मैंने अच्छे से बैलेंस कर ली थी तो इसलिए बहुत थोड़ी सी खुशी थी मुझे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड बाय बाय लव यू सो मच।